हाँ जी, स्वागत करते हैं जी तुहाडा सारिआं दा साडे चैनल स्टडी एंड कैरीयर दे उत्ते। अते अज आपां डिस्कस करांगे, जिवें कि तुहानूं पता ही है कि आउण वाले दिनां विच FCI वॉचमैन अते PS टैट टैसट होण वाला है। सो उस दे रिगार्डिंग आपां कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पंजाब जीके नाल रिलेटड लै के आए हाँ। सो सब तो पहला रिक्वेस्ट आ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट या भैण भरा चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे आ, उस चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो जी ते बैल आइकन नूं दबा दवो ताकि आने वाली वीडियो दे नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सकन। सो शुरू करते हैं जी आप अज दी वीडियो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज सतलुज अते ब्यास दे विचकारले इलाके नूं की कहा जाता है। हाँ जी, ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर 1 दुआबा, ऑप्शन नंबर 2 अपर बारी दुआब, ऑप्शन नंबर 3 माझा एंड ऑप्शन नंबर 4 मालवा। हाँ जी, इस दा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1 दुआबा। सतलुज अते ब्यास दे विचकारले इलाके नूं दुआबा कहा जाता है। वधदे हां जी आपां अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, सुखना झील किहड़े शहर विच स्थित है। हाँ जी, ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर 1 लुधियाणा, ऑप्शन नंबर 2 बठिंडा, ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 4 फिरोजपुर। हाँ जी, इस दा आंसर सारे स्टूडेंट्स नूं शायद पता ही होवे, आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़। हाँ जी, वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल। पंजाब दी हद किन्ने देशां नूं लगदी है। हाँ जी, ऑप्शन ने जी अपने कोल ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 3। हाँ जी, इस दा राइट आंसर है जी सॉरी हाँ जी, इस दा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2 1। पंजाब दी हद एक देश नूं लगदी आ, किहड़े देश नूं? ओह है जी पाकिस्तान। हाँ जी, वधदे अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी, पंजाब दा सब तो वड्डा ज़िला किहड़ा है। ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर 1 बठिंडा, ऑप्शन नंबर 2 फिरोजपुर, ऑप्शन नंबर 3 लुधियाना, ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर। हाँ जी, पंजाब दा सब तो वड्डा ज़िला जी लुधियाना है। हाँ जी, वधदे आ जी अगले क्वेश्चन वल। अजोका पंजाब कदों होंद विच आया। हाँ जी, ऑप्शन ने जी 1966, ऑप्शन नंबर 2 1965, ऑप्शन नंबर 3 1971, ऑप्शन नंबर 4 1956। हाँ जी, इस दा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1 1966। इस दे नाल तुसीं ये भी याद रखना होवेगा कि 1966 1 नवंबर 1966 नूं ही हरियाणा अते हिमाचल भी होंद विच आए सी, उस तो पहला यह सारे पंजाब विच ही हुंदे सी। हाँ जी, वधदे हां जी आपां अगले क्वेश्चन वल। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन ब्लू स्टार कदों होया। हाँ जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार मीन अकाल तख्त साहिब ते हमला किहड़े साल विच होया सी। हाँ जी, इस दे ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर 1 1985, ऑप्शन नंबर 2 1965, ऑप्शन नंबर 3 1966, ऑप्शन नंबर 4 होना सी इत्थे 1984। हाँ जी, इस दा इत्थे 4 होना सी। हाँ जी, इस दा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4 1984 विच ऑपरेशन ब्लू स्टार होया सी। हाँ जी, वधदे आ जी अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी, सब तो महंगी धरती कित्थे है। ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर 1 चमकौर साहब, ऑप्शन नंबर 2 सरहंद, ऑप्शन नंबर 3 कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर 4 खिदराना। हाँ जी, इस दा राइट आंसर है जी सब तो महंगी धरती सरहंद विखे आ। जदों छोटे साहिबजादियां नूं शहीद कीता गया सी तां उन्हां दा मतलब देहां दा संस्कार करन लई पता नहीं किसी ने हाँ खरीदी सीगी, उह मैं नाम स्लिप कर गया माइंड दे विचों, तीर मल पता नहीं की नाम सी उन्हां दा पता नहीं, हाँ उन्होंने खरीदी सी सोने दी मोहरां बिछा के, इस करके उसनू सब तो महंगी धरती कहा जाता है। वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी, पंजाब दा कैलिफोर्निया किसनू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मानसा, ऑप्शन नंबर 2 बठिंडा, ऑप्शन नंबर 3 नवांशहर, ऑप्शन नंबर 4 अबोहर। हाँ जी, इसका राइट आंसर आ ऑप्शन नंबर 4 अबोहर। पंजाब दा कैलिफोर्निया अबोहर नूं इस करके कहा जाता क्योंकि इत्थे किन्नुआं दी खेती बहुत ज़्यादा होंदी आ, सो इत्थे पंजाब दे किन्नू सारे इंडिया दे विच सप्लाई किए जाते हैं। हाँ जी, वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल। चिट्टे सोने की धरती किसनू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जी मुक्तसर, ऑप्शन नंबर 2 मानसा, ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 4 रूपनगर। हाँ जी, इस दा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2 मानसा। मानसा नूं चिट्टे सोने की धरती कहा जाता क्योंकि इत्थे कपाह की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। वधदे हां जी 10 नंबर क्वेश्चन वल। हाँ जी, अजोके पंजाब विच किन्ने दरिया वगदे हन।
हाँ जी ऑप्शन ने जी दो, ऑप्शन नंबर दो पांच, ऑप्शन नंबर तीन चार, ऑप्शन नंबर चार तीन। हाँ जी अजोके पंजाब विच जी ऑप्शन नंबर चार इज़ द राइट आंसर। तीन दरिया वगदे आ किहड़े किहड़े ने, उह सतलुज ब्यास एंड रावी का कुछ हिस्सा, मीनस तीन ही हो गए। सो वधदे आ जी अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 जी, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का मुख दफ्तर कित्थे है। हाँ जी ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर एक मोरिंडा, ऑप्शन नंबर दो मोहाली, ऑप्शन नंबर तीन चंडीगढ़ एंड ऑप्शन नंबर चार रोपड़। हाँ जी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का मुख दफ्तर मोहाली विखे है, सारे स्टूडेंट्स नूं इह पता ही होगा। हाँ जी वधदे आ जी अगले क्वेश्चन वल। जे वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो तुसीं वीडियो नूं पाउज कर सकते हो। हाँ जी पंजाब दे अखबारां दा केंद्र केड़ा है। हाँ जी पंजाब दे जिहड़े अखबार ने वो मोस्टली कित्थों छपदे ने, ऑप्शन ने जी लुधियाना, दो जलंधर, तीन अमृतसर, चार चंडीगढ़। हाँ जी राइट आंसर है जी जलंधर। तुसीं मोस्टली सारे अखबारों पर लिखिया ही लिखिया पढ़िया होगा कि जलंधर तो ही छपते हैं। वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल आपां, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी पंजाब दा मानचेस्टर केड़ा है, या पंजाब दा मानचेस्टर किसनों कहा जाता है। ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर एक बठिंडा, ऑप्शन नंबर दो लुधियाना, ऑप्शन नंबर तीन पटियाला, ऑप्शन नंबर चार चंडीगढ़। हाँ जी इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर दो लुधियाने नूं पंजाब दा मानचेस्टर कहा जाता है। इस तों अलावा पंजाब की आर्थिक राजधानी या पंजाब की वित्तीय राजधानी या हौजरी का समान सब तो ज़्यादा कित्थे बनता, या पंजाब की सब तो वड्डी साइकिल इंडस्ट्री कित्थे आ, या आबादी के पक्षों सब तो संघड़ी आबादी कित्थे आ, वड्डा जिला किहड़ा है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी लुधियाना ही है जी, तुसीं नोट कर लेना है। सो वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी पंजाब का सब तो प्रदूषित शहर केड़ा है। हाँ जी नंबर एक मोहाली, नंबर दो लुधियाना, नंबर तीन बठिंडा एंड नंबर चार मोगा। हाँ जी इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर दो लुधियाना। पंजाब का सब तो प्रदूषित शहर भी लुधियाना ही है, वैसे जे लुधियाने की थां मंडी गोबिंदगढ़ होवे तो वह भी राइट आंसर होगा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 जी, पंजाब विच पंजाबी भाषा नूं सरकारी भाषा वजो ऐलानिया गया। हाँ जी किहड़े साल पंजाबी भाषा नूं सरकारी भाषा ऐलानिया गया सी। ऑप्शन नंबर एक 1866, ऑप्शन नंबर दो 1966, ऑप्शन नंबर तीन 1766 या ऑप्शन नंबर चार 1967। हाँ जी इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर दो 1966 ईस्वी। 1966 विच जदों पंजाब अजोका पंजाब सी जिहड़ा होंद विच आया सी तां उदों पंजाब दी सरकारी भाषा पंजाबी नूं ऐलानिया गया सी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कदों की गई। हाँ जी ऑप्शन ने जी 1970, ऑप्शन नंबर दो 1925, ऑप्शन नंबर तीन 1922 एंड ऑप्शन नंबर चार 1920। हाँ जी इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर दो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना 1925 गई सी। सो वधदे हां जी आप अगले क्वेश्चन वल, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी मिनी ओलंपिक्स कित्थे करवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर वन मंडी गोबिंदगढ़, ऑप्शन नंबर दो रोपड़, ऑप्शन नंबर तीन मानसा एंड ऑप्शन नंबर चार लुधियाना रायपुर। हाँ जी इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स नूं पता ही होगा कि जेडे मिनी ओलंपिक्स के नाल जाने जाता वो किला रायपुर दियाँ खेडां नूं जाने जाता है। सो ऑप्शन नंबर चार इज़ द राइट आंसर। वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी किस साल विच पंजाबी दी वरतों लाजमी की गई सी। हाँ जी किस किहड़े साल विच पंजाबी दी वरतों नूं कंपलसरी कर दिता गया सी। ऑप्शन ने जी ऑप्शन नंबर 1920, ऑप्शन नंबर दो 1991, ऑप्शन नंबर तीन 1992 एंड ऑप्शन नंबर चार 1994। हाँ जी इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर दो 1991। वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 19, सिख विरासत कंपलैक्स कित्थे बनाया गया है। हाँ जी ऑप्शन नंबर एक मानसा, ऑप्शन नंबर दो रोपड़, ऑप्शन नंबर तीन आनंदपुर साहब एंड ऑप्शन नंबर चार अमृतसर। हाँ जी इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर तीन अमृतसर। इत्थे तुसीं एक पॉइंट होर नोट कर लेना है कि जेकर क्वेश्चन विच हुंदा विरासत ए खालसा कंपलैक्स या विरासत ए खालसा कित्थे स्थापित किया गया है तो उसका आंसर भी आनंदपुर साहब ही होना सी। सो वधदे हां जी अगले क्वेश्चन वल। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 20, पंजाबी नावल का मोढ़ी कौन सी। हाँ जी
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਦਰ, ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ। ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋ ਖੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਬੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਸੋਰੀ, ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਤ, ਭਾਦੋ, ਫੱਗਣ ਜਾਂ ਹਾੜ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਫੱਗਣ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।